फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। शिवा भाई यहाँ पर ध्यान करते हुए, यहाँ पर बुद्ध जी का स्टैचू देख सकते हैं आप, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। लो जी अपना शिवा भाई का सुशी भी आ चुका है। कौन सा सुशी है? हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। अभी जस्ट मैं बैठा था भाई की दुकान में चाय पीते हुए, और शिवा भाई भी थोड़े दिन के बाद योगा गोवा जाने वाले हैं। इनका योगा स्टूडियो वहाँ पर खुलने वाला है थोड़े दिन के बाद, तो बोल रहे उसके बाद टाइम लगेगा नहीं, उससे पहले कहीं घूमने चल जाते हैं। इन्होंने कहा कि 5 तो बजे हैं अभी, चलो चलते हैं अब दलाई लामा मंदिर थोड़ा घूम के आते हैं। जाने से पहले काफी दिन हुए, बोल रहे हैं कि नहीं घूमा कम से कम, ये जापान गया था कम से कम 1.5 साल के बाद आया जापान से, तो 1.5 साल से घुमा नहीं, चलो जाके आते हैं और थोड़ा दलाई लामा मंदिर में दर्शन करके आते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइस करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो अभी हम लोग भाई के कैफे से निकल कर इधर पहुंचे हैं हम लोग। तो अपना शिवा भाई कह रहा है कि सनसेट थोड़ा देख लेते हैं, काफी दिन के बाद मौसम साफ हुआ तो सनसेट देखने का मजा एक कुछ अलग लेवल का आ रहा है। पर हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे शायद बंद हो जाएगा, मतलब मेन गेट जो मंदिर के लिए जाता है। तो चलते हैं शिवू में। चलो भाई शिवू भाई एक मिनट, चल चलते हैं। चलो 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 भाई, तुझे पता है गोवा में जाकर रोज ही धूप खाना पड़ेगा। हाँ इधर तो सनसेट देखने का मजा भी है, ठंड ठंडा जैकेट लगा लिया है। गोवा में तो भाई ठंड बजेगा भाई रोज, 6 महीने तू सनसेट देखते रहे, हाँ परेशान हो जाता है सनसेट देख देख के। पाँच मिनट के वॉक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मेन गेट में, ये रहा मेन गेट। चलो चलते हैं फिर ना। चलो हम लोग एंटर कर चुके हैं गेट, अभी आगे जाके हमारा चेकिंग होगा, पर चेकिंग करते वक्त मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा यार, अच्छा नहीं लगता ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर एकदम खाली है, सुनसान नजर आ रहा, कोई है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली जितने टूरिस्ट होते दिन को आते हैं। देख शिवो भाई भी एकदम चकरा रहा है, 2 साल के बाद देख रहा ना, बोल रहा काफ़ी खूबसूरत बनाया 2 साल के बाद, बहुत चेंजेस हो गए बोल रहा है। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। शिवो ऐसे कर तो हम लोग ऊपर चलते हैं ना, ऊपर चलते हैं, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर मेन जहाँ पर मंदिर है। नहीं जूता नहीं खोलना होता है, जूता क्या खोलना, जूता ऊपर जहाँ मेन टेम्पल जब एंटर करते हैं ना तब खोलना होता है जूता, ऐसे कोई जूता खोलने की जरूरत नहीं। शिवा भाई इस प्रेयर व्हील को घुमाते हुए, कैसा एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का, यहाँ पर आने का? यहाँ पे मतलब काफ़ी शांति है, काफ़ी माइंड को रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ मन तो ऐसा है कि बात ना करें। अब अंधेरा भी हो चुका है, यहाँ पर जूता उतारते हैं दोबारा से और मेन जो बुद्धा जी का दर्शन करके आते हैं। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, शिवा भाई यहाँ पर ध्यान करते हुए, यहाँ पर बुद्ध जी का स्टैचू देख सकते हैं आप, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। करेक्ट यहाँ पर 6 बजे पहुँचे हैं, देखो दीवार में घड़ी भी लगी 6 बजे की। गाइस कर लिया मैं दर्शन, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, ज़्यादा शोर नहीं कर सकते यहाँ पर, एक साइलेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। चलो शिबू चलो चलो चलो। अभी हम लोग बाहर पहुँच चुके हैं दर्शन करके, और शिबू भाई बोलता है उस साइड कुछ देखना है, बोल रहे हैं देख लेते हैं, अंधेरा भी हो चुका है अभी। शिवा भाई यहाँ पर इन दियों को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आगे? काफ़ी अच्छा, ठीक लग रहा है। और तुम्हें पता है ये मतलब ये दिया क्यों जलाया जाता है, इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली ये है जो मतलब जो लोग गुजर गए होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो बीमार हैं। अच्छा इसलिए ये दिया जलाया जाता है। अच्छा अच्छा तो इस वक्त आ चुके हैं हम लोग हाथ धोने के लिए यहाँ पर, पहले हाथ धो रहे शिवा भाई, इसके बाद हम लोग पीने जा रहे हैं ये पानी। ख़त्म नहीं हो गया, खोल मत ढक्कन, बस 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 बस। हाँ जो पानी नज़र आ रहा ना, ये इसको क्या कहते हैं भाई ये? हाँ पी लिए पानी। हम लोग आ गए हैं दर्शन करके मंदिर में, थोड़ा घूम के और थोड़ा मेडिटेशन करके आ गए,
और हम अभी जा रहे हैं सिस्टर के कैफे में, वहाँ पर जाके हम लोग अब जाके कॉफी पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, गपशप लगाएंगे वहाँ जाकर, है ना भाई? हाँ जी। कैसा लगा आज घूमकर मंदिर? बहुत अच्छा लगा, काफी मतलब दिल में एक शांति सी फील हो रही है। और जरूर अपनी लाइफ में जब भी अगर आपके पास समय है आप मंदिर जाओ, मंदिर में प्रार्थना करो अपने लिए, और जो भी आपको लगता है कि लाइफ में आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए आप प्रार्थना करो, काफी सुकून मिलता है दिल के लिए। पार्टी वार्टी से तो अच्छा मंदिर में जाओ भाई, है ना, थोड़ा मंदिर में जाके दर्शन करके आओ, है ना, मन को रिलैक्स मिलेगा। अपने कोई जो प्रियजन है उनके लिए आप पूजा कर सकते हो, है ना भाई? आदमी लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं, पार्टी वार्टी जाना छोड़ दो भाई, मंदिरों में जाओ बस, है ना भाई? काफी सुकून मिलेगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखेगा। सही, एग्जैक्टली ब्रदर। सिस्टर के कैफे के बाहर पहुंचे हम लोग। शिव भाई तो पहले जाके यहाँ पर बैठ गए हैं। ये रहा अपने सिस्टर, कैसी हो करिश्मा? मैं ठीक हूँ जो आप। रमी कैसी हो? हमारे लिए कॉफी बना दोगे? दो अभी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, अच्छा कुछ भी बना दो। हाँ कुछ भी ड्रिंक बना दो आप। अच्छा ठीक है बना दो। और यहाँ का कॉफी काफी फेमस है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लाइट नहीं है, अभी जनरेटर ऑन किया है। तो अपनी सिस्टर को पता नहीं क्या बनाते पीने के लिए, पी लेते हैं फिर। शिव भाई तू मेरे को छोड़ के कहाँ भाग के आगे आगे आगे? मैंने बोला थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अभी शिव भाई ने मंगाया है बनाना केक, देख सकते हैं बनाना केक। अब मैं खाता हूँ बनाना केक। शिव खा ले तू भी, मजा आ गया। हाँ खा रहे हैं भाई, ये देखो मैं खा रहा हूँ बड़ा पीस। अच्छा मजा आ गया, बहुत मजेदार है। क्योंकि केक है ना हमारे सिस्टर ने बेक किया, हमारे सिस्टर खुद बनाती है यहाँ पर केक, मतलब कॉफी बनाती है, केक सब कुछ बना लेती है यहाँ पर, ऑलराउंडर है और रिसेप्शन भी संभाल लेती है। इतना टैलेंट किसके पास है आजकल ना भाई, बहुत कम चम मिलता टैलेंट। जी अपनी सिस्टर बना रही है यहाँ पर एकदम खतरनाक चाय। ये चाय बनाई है इन्होंने मशीन से, ये रहा मशीन सामने भाई। मुझे भी एक दिन सिस्टर के साथ मतलब यहाँ पर जॉब करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और ये केक तो शिवू तो खत्म करने वाला है, चाय का वेट कर लेता। आज इतना कस्टमर नहीं है ना रमे? हाँ ऑक्सीजन चल रहा है, हाँ ऑक्सीजन चल रहा है, इधर अभी इतना कस्टमर नहीं है ना। और ये थोड़ा ऑफ साइड में पड़ जाता ना, मैकड़गंज मेन चौक से थोड़ा नीचे को आके, है ना। और क्या नाम है रमे इस कैफे का? इस कैफे का नाम है जिमीस एशियन किचन, मतलब जोगीबाड़ा रोड में आता ना। अच्छा ये मेन चौक से मतलब थोड़ा ये पोस्ट ऑफिस वाले रोड पर आके नीचे, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है इसका, माउंट व्यू कैफे, माउंट व्यू होटल से थोड़ा नीचे आके, है ना ये। अच्छा अच्छा देखो आ गया अपना चाय भी, देखो लो भाई चाय का चुस्कियाँ ले लेते हैं भाई। मजा आ गया भाई। लो जी अपना शिवू भाई का सुशी भी आ चुका है। कौन सा सुशी है? टूना सुशी। अच्छा अच्छा जापान वाला फील ले रहा है इधर मैकड़गंज में। कैसे खाएगा, हाथ से खाएगा चॉपस्टिक से? अच्छा अच्छा मैं तो खाऊंगा नहीं यार, मुझे टूना प्राउन वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा ये चटनी है? यस। अच्छा अच्छा वाह वाह मजे ले रहा है भाई, जापान का फील ले रहा है इधर।